हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ वाराणसी का चेपेस धर्मशाला, बजट वाला धर्मशाला। गाइस, एक भाई ने मुझे कमेंट किया कि एक बार जितना भी धर्मशाला है वाराणसी में, सबकी कांटेक्ट नंबर एक वीडियो बनाइए और सबकी कांटेक्ट नंबर इस वीडियो में डालिए, ताकि हम लोग आराम से जो हम लोग को बेहतर लगे। जितनी भी धर्मशाला है गाइस, लगभग लगभग मेरे पास सारे के कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप लोग मुझे कॉमेंट करके अपना कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग वाराणसी में घूमने आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, बजट वाला धर्मशाला ढूंढते हैं, बजट वाला धर्मशाला ढूंढते हैं, लो बजट में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाराणसी में 100 रुपये से स्टार्ट करूंगा और आपको 500-600 तक के धर्मशाला मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बजट में रहना चाहते हो, इतने धर्मशाला है, बहुत ही सस्ते सस्ते धर्मशाला, तो सबके वीडियो लगभग बना चुका हूँ और सारे के सारे कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है। और बहुत सारे लोगों को मैंने इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया। आपको सस्ता धर्मशाला चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। तो वाराणसी में सबसे सस्ता धर्मशाला आपको कहाँ पे मिलेगा और इनका कांटेक्ट नंबर आपको कैसे मिलेगा, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तो आप वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पे आ जाइए। वहाँ पे जब आप आ जाते हैं, तो सबसे पहला जो धर्मशाला आपको मिलने वाला है, तो वाराणसी का श्री कृष्ण ट्रस्ट धर्मशाला। ये आपको 175 रुपये में यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री मिल जाता है, और अगर आप फैमिली के साथ हो तो लगभग लगभग 400 रुपये में रूम मिल जाता है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, yatra.com पे जाएंगे, यात्रा धाम पे जाएंगे, तो वहाँ से इसको बुक भी कर सकते हो। और ऑनलाइन जब आप जाते हो तो बहुत सस्ता मिलता है आपको, और अगर ऑफलाइन जाते हो तो 175 का इसका डॉर्मेट्री है। और अगर वाइज आप रूम बुक करना चाहते हो फैमिली के लिए, तो आपको 400-500 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है श्री कृष्ण धर्मशाला की, वीडियो देख लीजिएगा तभी बुक करिएगा। आप दूसरे धर्मशाला की बात करें, मिल जाएगा बरनवाल सेवा सदन। रेलवे स्टेशन से आप 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आप जाओगे, चाले का नाम है बरनवाल सेवा सदन। यहाँ पे आपको 400 रुपये से रूम स्टार्टिंग है, 500 रुपये में रूम मिल जाएगा, 600 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। और एसी वाला अगर आप रूम लेना चाहते हो फैमिली के लिए, तो आपको 1000 रुपये में रूम मिल जाएगा। इनका जो रूल है, जो सिस्टम है गाइस, ये जो रूम देते हैं डबल बेड के लेते हैं 400 रुपये, बट आपसे 500 रुपये ये चार्ज करेंगे जब आप 24 घंटे का चेकआउट टाइम होता है। और जब आप इनको चेकआउट करते हैं, तो आपको 100 रुपये ये रिटर्न कर देते हैं, मतलब 500 रुपये आपसे लेंगे। पहले आप जमा करेंगे 500 रुपये, फिर उसके बाद आप जब चेकआउट करते हैं होटल, मतलब धर्मशाला को जब आप चेकआउट कर देते हो, तो आपको 100 रुपये रिटर्न मिल जाता है। तो ये धर्मशाला आपको कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, बरनवाल सेवा सदन, ठीक है। यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। तीसरा धर्मशाला का पांडेवल धर्मशाला। पांडेवल धर्मशाला कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको गौदलिया चौराहे पे, जो बहुत ही बढ़िया धर्मशाला है फैमिली के लिए। मैं 3-4-5 वीडियो मैंने इस धर्मशाला की बना दी है। तो ये आपको मिलेगा गौदलिया चौराहे पे। गदले चौराहे पे जब आप जाते हो, गदले चौराहे के पहले पड़ता है चर्च चौराहा। चर्च चौराहे के बगल में ही है निदान केंद्र। निदान केंद्र के ठीक सामने ही आपको मिल जाएगा पांडेवल धर्मशाला। तो ये आपको 400 रुपये में, 500 रुपये में, 600 रुपये में यहाँ भी आपको रूम मिल जाएंगे आसानी से। मैंने इस पर वीडियो बनाई, अगर आप देखना चाहते हो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे एक और धर्मशाला है जिसका नाम है श्री श्री पुरुषोत्तम धर्मशाला। ये है आपका चर्च चौराहे के बिल्कुल पास में। इसको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो यात्रा धाम पे। गाइज, अगर पांचवें धर्मशाला की बात करें, तो ये आपको मिलेगा जयपुरिया धर्मशाला। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, तो जयपुरिया धर्मशाला बहुत ही बढ़िया धर्मशाला, गौदलिया चौराहे से लगभग 100 मीटर दूरी पे मिल जाएगा आपको जयपुरिया धर्मशाला। इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है गाइज। तो गाइज, मैंने सबसे पहले बनाया श्री कृष्ण धर्मशाला, ये आपको मिल जाएगा कैंट रेलवे स्टेशन पे। दूसरा मैंने बनाया बरनवाल सेवा सदन। तीसरा मैंने बताया है ब्रजेश्वर पांडेवल धर्मशाला। चौथा मैंने बताया है श्री श्री पुरुषोत्तम धर्मशाला, ये आपको चर्च चौराहे पे मिलेगा। पांचवा मैंने बताया है जयपुरिया धर्मशाला, ठीक है। इतना धर्मशाला हो गया गाइस। एक धर्मशाला और है वाराणसी में, कि बहुत ही लो बजट में है। यहाँ की मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है, और यहाँ पे जो लोग स्टे किए हैं उनका भी मैंने रिव्यू लेने की कोशिश की है। और अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो, तो इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर दे सकते हो। पहले यह धर्मशाला हुआ करती थी 50 रुपये की, ओनली 50 रुपये में आप 24 घंटे स्टे कर सकते हो। इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। कैंट रेलवे स्टेशन से ले लेना है ई रिक्शा, शेयरिंग वाला ऑटो चलता है। मैदागिन चौराहे पे जाना है आपको, मैदागिन चौराहे से आपको सीधा चले जाना है गुला नाले पे, मतलब लगभग 100 मीटर की दूरी पे ये मिल जाएगा आपको। कानपुरिया धर्मशाला के नाम से ये फेमस है। कानपुर के जो लोग थे, उन्होंने इसको बनवाया था। तो आप 50 रुपये में पहले लोग स्टे किए हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है। एक स्टूडेंट थे, मैंने उनकी भी वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद उसका रेट हो गया 100 रुपये, मतलब 100 रुपये में अगर आप अकेले हो तो आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। अदरवाइज आप फैमिली के साथ हो तो 200-300 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। ये धर्मशाला, इसका नाम है कानपुर धर्मशाला। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसका मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लगा दिया है। अगर टेम्पल की बात करें, ज्ञानमापी मस्जिद मंदिर, यहाँ की दूरी कानपुर धर्मशाला से लगभग, इसकी दूरी टेम्पल की दूरी 300 मीटर की दूरी पर है। मतलब आप पैदल पैदल
जा सकते हो। और गैस कानपुरिया के बाद अगर थोड़े से अच्छे आप धर्मशाला लेना चाहते हो, थोड़े से महंगे, कानपुरिया तो बहुत लो बजट में हो गया, जिसके पास कम बजट है तो वो लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। अदरवाइज आपके पास थोड़े से पैसे हैं और आप थोड़े से अच्छे धर्मशाला में रहना चाहते हो तो आपके लिए है बाड़ाचंद निवास। बाड़ाचंद निवास ये आपको कानपुरिया धर्मशाला के बिल्कुल पास में मिल जाएगा। इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने लगा दिया है, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये भी आपको मिलेगा लगभग कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे। और यहाँ से टेम्पल के लिए अगर आप ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के लिए जाना चाहते हैं तो 300 मीटर लगभग लगभग, मतलब आपको पैदल वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से भी है, आप यहाँ से पैदल पैदल जा सकते हो। सामने है श्री खुनकुन जी धर्मशाला, यहाँ पे भी आप 400-500 में स्टे कर सकते हो। यहाँ की गाइस एक खास बात जो है, यहाँ पे आप शादी विवाह जितने भी मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब दूर दूर से आके अपने यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे भी आप लोग मतलब ऐसा कुछ प्रोग्राम अगर आपको करना हो, श्री खुनकुन जी धर्मशाला में आप अपना प्रोग्राम कर सकते हो। और गाइस सबसे बेटर जो धर्मशाला है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के बगल में, वो आपको मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला। इस पर तो बहुत सारी वीडियो बनी है, अदरवाइज मैंने भी बहुत सारी वीडियो इस पर बनाई है। इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला। लेकिन गाइस यहाँ की जो खास बात है, यहाँ पे आपको धर्मशाला नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब आप जब भी आप आओगे यहाँ पे, ज़्यादातर यहाँ पे बुक रहता है, लेकिन इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं लगा दे रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे ले सकते हैं। और गाइज मुझे वाराणसी में किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काम करिए, इंजॉय करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, मार को विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।